नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। समझने वाली बात में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी विधानसभा में आतंकी हमलों में इस्तेमाल हो चुका खतरनाक विस्फोटक PETN कैसे पहुंचा। गंगा में गंदगी फैलाने वालों पर 50,000 रुपए के जुर्माने से कानून का शिकंजा कैसे कसेगा, और जरूरत भर बारिश नहीं हुई तो महंगाई क्यों बढ़ सकती है। क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा को उड़ाने की साजिश रची गई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा में बहुत खतरनाक विस्फोटक मिला है। इतना खतरनाक कि सिर्फ 500 ग्राम विस्फोटक से पूरी विधानसभा उड़ाई जा सकती है। विधानसभा में जो विस्फोटक मिला है उसे PETN कहते हैं। ये एक तरह का ताकतवर केमिकल होता है। बड़ी बात यह है कि PETN का पैकेट नेता विपक्ष की कुर्सी से महज 50 मीटर की दूरी पर पड़ा था। 12 जुलाई को यह मिला था। जब लैब में इसे तोला गया तो इसका वजन 150 ग्राम निकला। 150 ग्राम आपको कम लग रहा होगा, लेकिन यह कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 150 ग्राम PETN से बड़ी बस उड़ाई जा सकती है। PETN से आतंकी अपने देश में भी बड़ा हमला कर चुके हैं। बात 6 साल पहले की है। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पर जबरदस्त धमाका हुआ था। वो धमाका PETN से ही किया गया था। इस आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी, 50 लोग घायल हो गए थे। यानी साफ है कि यूपी विधानसभा में भी PETN से विस्फोट होता तो बड़ी तबाही मचती। आजकल विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन इतना खतरनाक विस्फोटक विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचा? यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, मेटल डिटेक्टर हैं, एक्सरे मशीन है, फिर भी PETN विधानसभा के अंदर पहुंच गया। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेटल डिटेक्टर से PETN का पता लग ही नहीं पाता, एक्सरे मशीन से भी PETN का पता नहीं चल सकता, खोजी कुत्ते भी PETN को नहीं सूंघ पाते। PETN का पता क्यों नहीं चल पाता? वजह यह है कि असल में यह सफेद पाउडर जैसा होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती, यानी देखने में लगता ही नहीं कि यह विस्फोटक है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक, यानी इसकी बहुत सी खासियत प्लास्टिक जैसी होती है। तो जैसे प्लास्टिक मेटल डिटेक्टर और एक्सरे की पकड़ में नहीं आता, PETN भी पकड़ में नहीं आता। इसे आसानी से छुपाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसीलिए इसे खोजने के लिए अमेरिका के एयरपोर्ट पर कपड़ों के अंदर देखने वाले स्कैनर लगाए गए हैं। वहां लोगों को छूकर और टटोलकर तलाशी भी इसलिए शुरू की गई थी, यानी किसी ने कपड़ों में PETN छुपाया है तो उसे खोजा जा सके। फिर भी PETN का खोजना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं खासियतों की वजह से दुनिया भर के आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल करते हैं। आतंकियों ने सबसे पहले 1980 में पेरिस में धमाका करने के लिए PETN का इस्तेमाल किया था। 1983 में आतंकियों ने बर्लिन के एक घर को 24 किलो PETN लगाकर उड़ा दिया। दिसंबर 2001 में एक आतंकी PETN को जूतों में छुपाकर विमान में ले गया था। इसीलिए रिचर्ड रीड नाम के आतंकी को शू बॉम्बर कहा गया। उसने पेरिस से मायामी जा रहे अमेरिकी विमान को उड़ाने की कोशिश की। 2009 में क्रिसमस पर एक आतंकी PETN को कपड़ों में सिलकर हवाई जहाज के अंदर ले गया। उसने भी धमाका करने की कोशिश की। 2009 में ही एक आत्मघाती हमलावर ने PETN से सऊदी अरब के गृह मंत्री को मारने की कोशिश की। वो अपने शरीर के अंदर PETN को छुपा कर ले गया। अगले ही साल अलकायदा ने एक प्रिंटर में PETN रखकर अमेरिका जा रहे विमान को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन विदेशों में PETN से हमले की ये सारी कोशिश नाकाम साबित हुई। असल में PETN को डिटेक्टर से छुपाना आसान है, कहीं ले जाना आसान है, लेकिन इसमें विस्फोट कराना आसान नहीं। PETN में खुद से धमाका नहीं हो सकता, इसमें गर्मी या झटके से धमाका करना पड़ता है। इसके लिए सर्किट, केमिकल या दूसरी तरह के बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए सिर्फ PETN पाउडर से धमाका नहीं कराया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि कोई PETN को यूपी विधानसभा में क्यों ले गया? क्या वो धमाके करने में इस्तेमाल हो सकने वाले बाकी चीजें नहीं ले जा सका? सवाल यह भी है कि क्या सनसनी फैलाने के लिए या माहौल बिगाड़ने के लिए PETN पाउडर विधानसभा में छोड़ा गया, ऐसी जगह जहां इसे आसानी से खोजा जा सके? अब गंगा के आसपास 500 मीटर तक की दूरी पर कचरा फेंकने वालों को सख्त सजा मिलेगी। गंगा के आसपास 100 मीटर तक कुछ भी बनाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। असल में बहुत से लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल हुई चीजें, पुरानी मूर्तियां और ऐसी बहुत सी चीजें गंगा में फेंकते हैं। बहुत सी फैक्ट्रियां भी हैं
जो गंगा में गंदगी डालती हैं। सीवर लाइन का कचरा भी गंगा में गिरता है। इन सबसे गंगा मैली हो रही है। बातचीत से और विज्ञापनों से अभियान चलाकर गंगा को गंदा करने वालों को रोकने की तमाम कोशिश हो चुकी है, नतीजा कुछ नहीं निकला। गंगा आज भी वैसी ही मैली हो रही है जैसे पहले मैली होती थी। इसीलिए गंगा को गंदा करने वालों के खिलाफ सख्त सजा तय कर दी गई। ये फैसला एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया है। एनजीटी के पास हाईकोर्ट के बराबर अधिकार है। इसका काम पर्यावरण से जुड़े नियम कायदों का पालन कराना है। एनजीटी ने गंगा नदी के आसपास 500 मीटर की दूरी पर कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी। अब किसी ने भी कचरा डाला तो उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया जाए। एनजीटी ने नदी के 100 मीटर के इलाके को नो डेवलपमेंट जोन बना दिया है, यानी यहां कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसे कहा जाता है नो डेवलपमेंट जोन, यानी यहां कुछ नहीं बनेगा। एनजीटी ने 86 नालों को भी 6 हफ्ते के अंदर साफ करने को कहा। एक याचिका पर एनजीटी ने निर्देश उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर यूपी में कानपुर के पास उन्नाव तक के लिए दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि इसी इलाके के लिए खास तौर से क्यों कहा गया। दरअसल गंगा को साफ करने के लिए नदी को 4 हिस्सों में बांटा गया। इसी के पहले हिस्से में हरिद्वार से उन्नाव तक का इलाका है। वैसे तो गोमुख से लेकर कोलकाता तक गंगा 2525 किलोमीटर लंबी, लेकिन हरिद्वार से उन्नाव तक की दूरी करीब 500 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की इसी दूरी में गंगा सबसे ज्यादा मैली है। यह हाल तब है जब गंगा की सफाई पर पिछले 2 साल में 7,304 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, फिर भी नतीजा सिफर रहा। गंगा जैसे पहले मैली थी वैसे ही अब भी मैली। अब समझने वाली बात यह है कि 500 किलोमीटर के इसी इलाके में ही सबसे ज्यादा गंदगी क्यों है। वजह यह है कि गंगा में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी कचरा गिरता है उसमें से 47% इसी हरिद्वार से उन्नाव के बीच गिरता है। गंगा में गिरने वाले कचरे को MLD यानी मिलियन लीटर्स पर डे में नापा जाता है। साल 2016 से 2017 के बीच गंगा में फैक्ट्रियों ने 669 MLD कचरा गिराया, 669 मिलियन लीटर पर डे, और सीवेज का करीब 10,705 MLD कचरा गिराया गया। फैक्ट्रियों से जो 669 MLD कचरा गिराया गया उनमें से 319 MLD तो हरिद्वार से उन्नाव के बीच ही गिराया गया, और जो सीवेज का करीब 10,705 MLD कचरा था उसमें से भी हरिद्वार से उन्नाव के बीच करीब 2,456 MLD कचरा गंगा में गिराया गया। इसीलिए माना जाता है कि इस इलाके में गंगा को मैली होने से रोकना जरूरी है। हालांकि इस इलाके में गंगा को तब तक साफ नहीं किया जा सकता जब तक यहाँ की फैक्ट्रियों को ना हटाया जाए। यहाँ बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिनका कचरा गंगा में छोड़ा जाता है। इनमें ज्यादातर चमड़े के काम से जुड़ी फैक्ट्रियां हैं जो बंथर और उन्नाव में ज्यादा हैं। गंगा के आसपास ऐसी 450 चमड़ा फैक्ट्रियां हैं, इनसे बहुत ज्यादा कचरा निकलता है। इसीलिए एनजीटी ने अपने फैसले में इन फैक्ट्रियों को भी 6 हफ्ते के अंदर हटाने को कहा। गंगा के घाटों पर कर्मकांड भी खूब होता है, इनके कारण भी प्रदूषण फैलता है। कर्मकांड से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने गाइडलाइन बनाने को भी कहा है। नई गाइडलाइन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार तय करेगी। एनजीटी के निर्देश को कोई भी नजरअंदाज न कर सके इसका भी इंतजाम किया गया है। एक निगरानी कमेटी एनजीटी को समय समय पर बताएगी कि उसके आदेश पर क्या किया जा रहा है। अगले 10 दिन में अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल की बुआई पर असर पड़ सकता है, यानी फसल खराब हुई तो अनाज महंगा हो जाएगा। मतलब अनाज महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ जाएगी, यानी बारिश अच्छी ना हुई तो सबके लिए बुरी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते जितनी बारिश होने का अंदाजा था उससे 19% कम बारिश हुई है। इससे खरीफ की फसल को के खराब होने का डर लगने लगा है। खरीफ यानी जून और जुलाई में बोई जाने वाली फसल जिसके लिए ज्यादा पानी चाहिए। खरीफ में चावल, मूंग, कपास, सोयाबीन, मक्के जैसी फसल आती है। वैसे अभी घबराने की बात नहीं है, मौसम विभाग ने इस बार 100% बारिश की भविष्यवाणी की हुई। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार 110% तक बारिश हो सकती है। हालांकि फसल अच्छी हो इसके लिए सही समय पर बारिश की जरूरत पड़ती है। बाद में ज्यादा बारिश भी हो जाए तो भी फसल खराब हो सकती है।
फिलहाल अच्छी खबर यह है कि बारिश कम हुई फिर भी बुआई पर असर नहीं पड़ा है। इस साल अब तक जितनी बुआई हुई है वो पिछले साल हुई बुआई से 9% ज्यादा है। सरकार ने 1,059 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की बुआई का लक्ष्य रखा है। इतने बड़े इलाके में बुआई के लिए अगले 10 दिन में अच्छी बारिश होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा होगा? अनुमान कुछ भी हो, हकीकत देखें तो बहुत से राज्यों में वक्त पर पानी नहीं गिरा है, इसीलिए इन राज्यों में जितना सोचा गया उतनी बुआई भी नहीं। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में कम बारिश हुई। राज्य है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में 19% कम बारिश हुई, इस वजह से बुआई की रफ्तार धीमी हो गई। 12 जुलाई तक यहां सिर्फ 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही बुआई हुई। सोचा यह गया था कि अब तक यहां 133 लाख हेक्टेयर में बुआई हो जाएगी। इसी तरह से दक्षिणी कर्नाटक में भी जितनी बारिश होनी थी उससे 38% कम बारिश हुई। यहां अब तक 28 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही बुआई हुई, जबकि यहां 73 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई कर लेने की योजना थी। यानी खेतों में जहां फसल खड़ी हुई है उन्हें भी एक हफ्ते के अंदर पानी चाहिए। ऐसा ना हुआ तो बोई गई फसल के सूखने का खतरा भी पैदा हो जाएगा, तब अनाज महंगा हो जाएगा, यानी महंगाई भी बढ़ जाएगी।